एक बोर्ड ढूंढा है जिसमें ये वाली आईसी लगी हुई हो। ये बोर्ड एक मिला है इसमें ये आईसी लगी है, सेम पार्ट नंबर है। पहले हटाएंगे उसमें से, उसके बाद लगाएंगे। बहुत सावधानी से लगाने की है, इसमें जरूर निकल लीजिए ना। बाहर की तो मैंने निकाल दी, पर आईसीनों के बीच में हवा जाने पर की जगह है। अगर शॉर्टिंग आई ना तो निकालना उसको भारी पड़ जाएगा। कई बार शोल्डर पिनों के अंदर चला जाता है तो आईसी। तो दोस्तों हमारे पास लास्ट टाइम एक बोर्ड आया था लॉयड का, आपने अगर वो वीडियो देखी हो, TL01 कम्युनिकेशन एरर था। और वो क्या रहा था, ये वाला बोर्ड डेड था उसमें, ये वाला बोर्ड डेड था। तो उसको हमने देखा था तो फाइनली पता चला कि 5 वोल्ट शॉर्ट है। और शॉर्ट क्यों है, क्योंकि ये मेन शॉर्ट थी इसकी, तो इस वजह से बोर्ड डेड था। क्योंकि मेन अगर काम नहीं करेगी, डेड है, तो यहाँ इंडिकेटर ग्लो नहीं करेगा। तो आईसी तो मैंने निकाल दी थी उस वीडियो में, पर आईसी मेरे पास था थी नहीं, तो उसके लिए मुझे टाइम लगा है एक हफ्ते का। आईसी मैंने ढूंढ ली है, ठीक है, और आईसी तो मिलती नहीं है। सीधा एक बोर्ड ढूंढा है जिसमें ये वाली आईसी लगी हुई हो। ये बोर्ड एक मिला है इसमें ये आईसी लगी है, सेम पार्ट नंबर है। तो ये आईसी मैं निकाल के लगाऊंगा और इसका EL01 कम्युनिकेशन आज ख़त्म करूंगा। तो दोस्तों ये पहले आईसी मैं निकालनी पड़ेगी मुझे, और निकालने के लिए पहले ये थिनर डालेंगे इसमें, क्योंकि उसमें एक लेयर होती है, उसको हटाए बगैर मैं आईसी को नहीं निकालूंगा। मैं ये गलती आप भी मत करना जब तक ये ग्लू ना हट जाए इसकी, जिस चीज़ की भी ये लेयर है। थोड़ी झंगा बनाओ, थोड़ा सा एंगल इनका बराबर करें, हटा दो अभी थी, संभाल के रखो इसे। इसका भी यही है, सेम है, ठीक है। ये अभी मैंने बराबर नहीं करा, इसे बराबर कर दी। ठीक, ये शॉर्ट है इसका। पहले इसमें ये शोल्डर है एकदम प्लेन करूँगा मैं, वरना आईसी इस पर बैठेगी नहीं। ठीक है, हाथ से छूने से महसूस हो जाता है। लगाओ SMD। ओके, Thank you.
हिट बॉर्डर पे नहीं, बॉर्डर पे मारनी है, डीसीपी पे नहीं। पहले हटाएंगे उसमें से, उसके बाद लगाएंगे। बहुत सावधानी से लगाने दिया, इसलिए निकल लीजिए ना, बाहर की तो मैंने निकाल दी, पर आईसी के नीचे भी है ना ये, इसका मतलब ऊपर से डाली जाती हो। ये निकल लीजिए, ये हटाने के बाद ही काम करना चाहिए। एल जी अगर आई सी ऐसे नहीं लगा सकते, एक आई सी के लिए 600 रुपये का बोर्ड खरीदना पड़ा है। जरा भी गड़बड़ हुई ना, पिन टेढ़ी हो जाएगी।
समझाता है कि नंबर तो सही फिर नहीं जाना होना चाहिए। फिर काम करते वक्त आयरन में शोल्डर बिल्कुल नहीं लेना, जो इसमें शोल्डर है उसी को मेल्ट करना है। क्योंकि तो आयरन में शोल्डर लिया तो इसमें शॉर्टिंग आएगी फिर, ठीक है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा शोल्डर नहीं, तो बाद में भी नहीं, नहीं। क्योंकि आईसी की पिनों के बीच में हवा जाने भर की जगह है, अगर शॉर्टिंग आई ना तो निकालना उसको भारी पड़ जाएगा। कई बार शोल्डर पिनों के अंदर चला जाता है तो आईसी फिर समझ लो आपकी चली ही गई, आप सोचो दोबारा निकाल के लगा लें, नहीं बन पाएगी बात ज़्यादातर, तो ऐसी नौबत ही मत आने दो। ये लगाना नहीं चाहिए था यार, अभी टेस्ट है, पहले इंडिकेटर आ जाए उसके बाद लगाएंगे, ठीक है, ये नहीं लगाना चाहिए था, हटाओ उसे।
हार्ड ब्रश नहीं थोड़ा ब्रश वाला, वो आयरन गायब हो जाता है प्लास्टिक वाला। मैं रखता हूँ अपने लिए काम के लिए। एक तीन पिन है ना, थोड़ी सी आउट भाग रही है। अपने प्रिंट से आउट क्या थी मुड़ी भी थी ना, हल्की हल्की जगह ही नहीं होती थी, जरा सी भी हवा बराबर भी मुड़ी ना तो प्रिंट से आउट। ठीक है, अब एकदम सफाई से दिख रहा है। एक रीशोल्ड और मारता हूँ, ठीक है, क्योंकि ग्लू वगैरह थी काफ़ी। एक रीशोल्ड और मारूँगा तब हमारा काम ख़त्म। और शोल्डिंग करने के लिए आयरन नहीं, एंगल बदलो बोर्ड का, ठीक है ना। ये बहुत जल्दी लगा देता हूँ, टाइम क्यों लगा, क्योंकि इस आईस में ग्लू का बहुत लफड़ा है।
ठीक है, बहुत सफाई से काम करना। क्या करना, आप भी देखो आके। बोर्ड थोड़ा सा परेशान है, जैसी कंपनी की तरफ से आई थी वैसी लगा दी, ठीक है ना। बिगड़े हैं दोस्तों आप तो काम बहुत मेन लगाओ, तो काम बहुत सफाई से होना चाहिए, टाइम नहीं देखना है, काम देखना है। ठीक है, ठीक है आशीष, आप लगाओ फिर तक चलाओ, सब सही है, कुछ नीचे नीचे ना हो, ध्यान दिया नहीं लगा, अरे मशीन अलग करो वहाँ को भी, यहाँ टेबल खाली करो। चलो पहले इंडिकेटर टारगेट है, आ जाओ, आ नहीं रहा था ना, 5 वोल्ट वगैरह भी बन रही थी शॉर्ट थी, आ गया बढ़िया। तो देखा दोस्तों आपने, लास्ट टाइम आपने वीडियो में देखा होगा कि ये इंडिकेटर नहीं आ रहा था, कम्युनिकेशन एरर था। अब इसका EL01 खत्म हो गया होगा, पहले EL01 था ना, अब तो ये EC आ रहा है, 51 क्यों आ रहा होगा, एक सेंसर गायब है, क्या है सेंसर, दो लगे थे, एक और गायब है, हाँ एक गायब है यहाँ से, एक और लगाओ इसी का आ रहा होगा, ठीक है ना, किसी ने काट के लगा लिया है, बंद कर दिया सप्लाई, देखने दे 5 कुछ बन नहीं रही थी ना इसमें, तो ये भी दोस्तों आप लास्ट टाइम 5 नहीं बन रही थी, लास्ट टाइम 5 नहीं आ रही थी, 5 एकदम क्लियर है, फर्स्ट क्लास है, 12 भी एकदम फर्स्ट क्लास क्लियर है, अब ये दोनों आ रही हैं तो 15 भी इधर उधर आ ही रही होगी कहीं, 15 भी आ रही है, सारी सप्लाई ओके, इंडिकेटर ओके हो गया, मेन बदलने से, कंप्रेसर वगैरह भी चला के दिखा देते हैं, लगाओ आप सेटअप, पूछना ऐसे पूछ लो फिलहाल तब तक तेरी बीच में, ये ऐसी होगा, ये ऑपरेशन LED है, क्या है एरर नहीं है ये, बस समझाई मैं क्या कर रहा हूँ, एक LED ऐसी भी तो होती है ब्लिंक करती रहती है, तो ऑपरेशन LED है, एरर नहीं आएंगे जो भी आएंगे, EC51 क्या सेंसर लगे हुए हैं, यहाँ है फैन लगे हुआ है, सही लगा है फैन, सही है बहुत जल्दी एरर आया है, चार्ट देख लो इसका, चार्ट में क्या दिखा रहा है, इसका चार्ट होगा ना, इसके आउटडोर की, हाँ इसका आउटडोर नहीं था,
सफाई से लगाना फिर ठीक है। क्या वैल्यू शो कर रहा था सन से? 11.54 11.54 तो 15 के भी लगाइए, 10 की लगाइए। चलो 10 ही लगा दो, एरर तो हटे तो बाद में देखते हैं। एक सेकंड आके मैंने बताया है इसको इधर रखो उल्टा करके, दो चीज़ों को दूर दूर करो, कोई जल्दबाजी नहीं, ये ध्यान दिया करो। प्लग लगाने से पहले 100 बार सोचने की आदत डालो, ठीक है ना? एक गलती अभी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। ये बोर्ड हटाओ, काम करनी है ना, टाइट डालो, जैसे सीधा करो, मुझे इंडिकेटर दिखना चाहिए। क्या हो गया, दिक्कत आ रही है? तार छोटी पड़ती है तो कुछ तो जुगाड़ होगा, कोई तो जुगाड़ होगा। तो सही है, चला हटाओ CC51। चला लिया हैं? फिर आ गया, बंद करो, दूसरे पे भी रजिस्टर करो। इधर वाला है ना, मेरे लेफ्ट वाला, ब्लू वाला। कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, दोनों कनेक्ट हैं, पर इसका सेकेंडरी ग्राउंड से नहीं बोल रहा। क्या हो रहा? इस वाले का बोल रहा, इस वाले का बोल रहा। 190B देखना ज़रा, 190B। पार्ट 3 करो, क्या करो, दोस्तों ये वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि कम्युनिकेशन EL01 इसका हमने हटा दिया है, मेन चेंज कर दिए, आउटडोर ऑन हो गया है, ठीक है। और ये वीडियो के लिए पार्ट नंबर 3 में ये वाला EC51 ये आप देखिएगा, मैं अभी इसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप पार्ट 3 में देखिएगा, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।